to play with you and I see you and I love you and I want to see you in Jannah. अच्छा, टाइटल ये है नोइंग अल्लाह सुभानहू ताला एंड वर्शिपिंग हिम। पहली बात तो ये कि हम वी आर बोर्न मुस्लिम्स, हम ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं, हमारे पेरेंट्स मुसलमान थे। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम मुस्लिम घरानों में पैदा होते हैं तो वी टेक ओवर आइडेंटिटी फॉर ग्रांटेड और हम उस तरह से अल्लाह ताला को जानने की कोशिश नहीं करते। शऊरी तौर पर हमें पेरेंट्स जो बताते हैं वी जस्ट फॉलो इट, जो रिचुअल्स वो कर रहे होते हैं हम उसी को लेके चलते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हिम, खुद से हम अल्लाह ताला को जानें। और किस तरह से जान सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला को उसके कलाम से जाना जा सकता है, वर्ड्स ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, कुरान। और सेकंड ये है कि वी कैन नो हिम थ्रू हिज नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, उससे हम अल्लाह को जान सकते हैं। और अभी देखें कि जानना क्यों ज़रूरी है, तो टू नो हिम इज़ टू लव हिम। The more you know Allah subhanahu wa ta'ala, the more closer you will be towards Him, the more fearful you will be towards Him. क्योंकि अगर आपने पता ही नहीं है अल्लाह ताला कौन है तो आप इबादत का हक भी नहीं अदा कर सकते। फिर वो ये रिचुअल्स होंगे रस्मी से जो पेरेंट्स ने बताए हैं, लेकिन जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, अपने आप अपने एक्सपीरियंसेस से अल्लाह को जानते हैं ना, तो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। वो फिर जो पेरेंट्स सिखाते हैं वो चीज़ नहीं होती जो आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाता है। कि नॉर्मली लोगों के साथ मामला क्या है कि द मोर वी नो पीपल, द मोर वी नो ह्यूमन बीइंग और हिज क्रिएशन, द मोर वी नो अबाउट द इम्परफेक्शन। कि जिससे मुझे अल्लाह ताला ही सिखा रहे थे कि जिस परफेक्शन की तलाश में तुम हो वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ात से मिलेगी। आई एम परफेक्ट, अल्लाह ताला परफेक्ट है और कोई परफेक्ट नहीं है। फिर जब इस तरह से सिचुएशंस आती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, देन यू गेट टू नो कि यार अल्लाह ताला को जाने, क्योंकि लाइफ में कब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको कौन याद आता है, अल्लाह ही याद आता है ना। क्योंकि हमारी फितरत में, हमारे दिल में अल्लाह ताला है, अल्लाह को जानना
जब हम उससे अगेंस्ट जाते हैं तो हम परेशान होते हैं, सैडनेस आती है, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, हालात आपको इस तरफ लेके जाते हैं कि अल्लाह को जानो। दुख दुखी होते हैं तो क्यों अल्लाह याद आता है? कभी आपने सोचा कि अल्लाह ही क्यों याद आता है? अल्लाह को जानना, दैट इज़ द ट्रू पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, और अल्लाह के दिए हुए हुक्मों पर चलना, दैट इज़ ओवर पर्पस इन लाइफ टू वर्शिप। वर्शिप में यहाँ पे मुराद जो मीनिंग है इट्स नॉट लाइक फ्यू एक्ट्स ऑफ वर्शिप के जो हम डेली करते हैं, जैसे यू नो नमाज रोज़ा हो गया और हमें लगता है कि इबादत कर रहे हैं, बट वर्शिप इज़ बियॉन्ड दैट। वर्शिप इज़ एक्चुअली लाइक एवरी थिंग दैट यू डू, एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट यू डू एवरी डे, अपने बच्चे को प्यार से देखना, उसको स्माइल देना, तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ इबादत। सिर्फ इंटेंशन से आपका वो डेली सुबह 24 आवर जो आप काम कर रहे हैं, इवन सो भी रहे हैं, सोना इसलिए कि मैं सुबह उठूंगी, मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकूंगी, आपका सोना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, कितने प्यारे दीन में है, मतलब जिसका सोना उठना बैठना इबादत बनते, इससे अच्छा दीन हो सकता है? तो दिस इज कॉल्ड वर्शिप। एंड देन वर्शिप ऑल्सो मीन्स के ओबेइंग अल्लाह, लाइक नोइंग हिम एंड लविंग हिम। लेकिन वी आर नॉट फ्री, ऑनेस्टली माय डियर सिस्टर्स, वी आर नॉट फ्री, हम अल्लाह के स्लेव हैं। वी हैव ओनली वन मास्टर, एंड यू नो अल्लाह ताला हमसे कहते हैं कि आई नो यू मोर देन योर सेल्फ। मेरी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह बिल्कुल सही कहता, अल्लाह नोज मी मोर देन माई सेल्फ, अल्लाह लव्स मी मोर देन माई मदर लव्स मी। और जब ये एहसास होता है ना, तो फिर आपकी लाइफ में चेंज होने में मुश्किल नहीं होती है। जब आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला जब कहते हैं कि मैं एक ही मास्टर, और आपको पता है कि जब हमारा एक मास्टर नहीं होता, जब हम अपने इस पर्पस को पूरा नहीं कर रहे होते, तो फिर हम किसी और मास्टर को ओबे कर रहे होते। वी कैन हैव आवर फॉल्स गॉड्स, हम छोटे छोटे इलाह बना लेते हैं, मास्टर्स बना लेते हैं। जैसे सोशल नॉर्म्स देख लें, सोसाइटी नॉर्म हमारा मास्टर हो सकती है, हमारी जॉब्स, हमारे बॉसेस, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे हस्बैंड्स, ये हमारे इलाह बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप अल्लाह के आगे वर्शिप नहीं कर रहे, उसके स्लेवरी नहीं कर रहे, तो फिर आप बाकी लोगों की स्लेवरी करेंगे, क्योंकि एक ही तो करनी होगी। जब आप अल्लाह की करते हैं ना, तो फिर बाकी स्लेवरी नहीं रहती, अगर आप अल्लाह की करेंगे। लेकिन अगर आप अल्लाह के गुलाम नहीं बनते, तो फिर क्या बनते हैं? अपनी डिज़ायर्स, कभी कभार नफ्स के गुलाम बन जाते हैं। जो दिल करना है वो करना है, बच्चे जो कहते हैं वही करना है, हस्बैंड कहते हैं हिजाब ना लो, नहीं लेना, अगर आपको लगता है बाहर फ्रेंड्स के साथ है, नमाज नहीं पढ़नी, चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि आप फिर सोसाइटी की स्लेवरी कर रहे हैं ना। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि बी माय स्लेव, बी माय अब। जब आप अल्लाह के अब बनते हैं ना, तो फिर फजर के लिए उठना भी आसान हो जाता है। जब आप अल्लाह को जानने लगते हैं, आप वर्शिप का हक अदा कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट ट्रूली वर्शिप अल्लाह अंटिल अनलेस यू लव हिम। हमारे सबसे करीबी सहारे भी हमें लगता है कि कुछ नहीं है, ओनली अल्लाह, वो हमें इस तरफ याद आते हैं उस टाइम पे। तो द मोर यू नो अल्लाह, द मोर यू नो अबाउट हिज ग्रेटनेस, हिज ब्यूटी, यू नो हिज लव, हिज मर्सी। और ये चीज़ें आपको आती ही इसीलिए हैं कि कभी लाइफ में ट्रबल आते हैं, तो यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, व्हाई मी? नो, इट्स लाइक क्यों हो रहा है? बिकॉज अल्लाह चाहते हैं आप अल्लाह को जानें, क्योंकि जब अल्लाह को जानेंगे तो वर्शिप का हक अदा होगा। एंड वी ऑल नो के पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज़ टू वर्शिप हिम। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि हमने जिन्नों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब आप अल्लाह को जानते हैं ना, तो देन यू ओबे हिम खुद से, फिर पेरेंट्स को कहना नहीं पड़ता कि नमाज पढ़ो या हिजाब लो, हस्बैंड को नहीं कहना पड़ता, किसी को कुछ नहीं कहना पड़ता, आप खुद से करते हैं। तो देट इज़ अ डिफरेंस वेन यू नो हिम एंड यू चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। और कोशिश करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये तो मरते तक की जर्नी है, आप कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। हम कभी किसी भी नेक इंसान को ये देख के नहीं कह सकते कि ये तो फ्री ऑफ सिंस है और ये तो परफेक्ट हो गया। जैसे मैं जैसे निकाह मैंने करना शुरू किया, तो एक लोगों की तरफ से ही आता है कि शी इज़ वेरी पायस नाउ, यू नो एक इमेज बन जाता है। तो हम भूल जाते हैं उस हदीस को कि ऑल सन ऑफ एडम्स आर सिनर्स, हम सब गुनाहगार, और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो सबसे ज़्यादा तौबा करने वाले। तो हमें किसी को किसी सेट में और किसी चीज़ में देखना नहीं चाहिए, इवन जो प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे उनको भी हमें बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। अपना एक्सपीरियंस याद करें, आई एम श्योर हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी अपने वीकेस्ट मोमेंट पे आपने अल्लाह को पुकारा होगा ना, कभी आपने जब सबसे ज़्यादा, जब सब ने छोड़ा होगा, आपने अल्लाह को पुकारा होगा ना,
अल्लाह वॉज ऑलवेज देयर फॉर यू. अल्लाह ने हमेशा, चाहे हम अल्लाह के करीब है नहीं है, अल्लाह इज ऑलवेज देयर फॉर यू. अल्लाह तआला का दीदार मिल जाए, दैट इज व्हाट आई एम. जाना तो अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह तआला कबूल करे. सुभानअल्लाह व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. आई एम सो थैंकफुल, आई कैन से जस्ट से यू.